जलसा जुलूस से कोरोना फैलने और दहशतगर्दी का खदशा, जलाओ घिराव किया तो कानून हरकत में आएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया, कहा पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश हो रही है, मौलाना मजहबी कार्ड खेलने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी ना ही नवाज शरीफ कभी वापस आएंगे। आजम इमरान खान ने कल अपोजिशन को कोरा जवाब दे दिया, देयर विल बी नो एनआरओ। अपोजिशन को वार्न करना चाहता हूं, ये ना हो कि सारी उम्र आप पछताएं। पाक फौज का अज़्म मुसम्मम है, दुनिया इधर की इधर हो सकती है, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम नहीं पैदा होने दिया जाएगा। तकरीबन एक साल हो गया नवाज शरीफ साहब को बाहर गए हुए, ना कोई ऑपरेशन हुआ है ना अस्पताल गए। सारी कौम को, सारी दुनिया को, सारे डॉक्टरों को बेवकूफ बना के वो लंदन जाके बैठ गए, कभी वापस नहीं आएंगे। वो समझते हैं कोई ऐसा गेम दोबारा बने ताकि मेरे लिए कोई रियायत की सूरत हाल हो जाए। पीडीएम तशद्दुद की सियासत में जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब मजहबी कार्ड खेलने जा रहे हैं, और शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की तरक्की में फौज का कलीदी किरदार है। जो पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मनों के कहे में है, अपनी कारकर्दगी पे सोचें, वरना तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में।